जब बाजार ऐसी स्थिति कहा जा सकता है जब बाजार में कोई परिवर्तन ना हो रहा, ठीक है, लेकिन बाजार में गति हो। गति का मतलब कि मार्केट चल रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ स्थिर हो। और बाजार उस स्थिति में संतुलन होगा जहां बाजार की पूर्ति, मतलब कहने का मतलब वस्तुओं की पूर्ति बाजार की मांग के बराबर होगी। जहां वस्तुओं की पूर्ति और मांग दोनों बराबर हो वहां पर हम बाजार का संतुलन निर्धारित करते हैं। यहाँ पे वाई एस बराबर वाई डी, ठीक है, वाई एस बाजार की पूर्ति और वाई डी बाजार की मांग, ठीक है, जहां पे दोनों बराबर होंगी वाई एस बराबर वाई डी वहां पर हमारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। अब रेखा चित्र में देखो, दिखाओ नीचे यहाँ पे मांग की मात्रा दे रखा है, यहाँ पे कीमत, ठीक, वाई डी हो गया तुम्हारा मांग और वाई एस हो गया पूर्ति। अब देखो दोनों लाइन कौन से बिंदु पे काट रही है, बी, बी जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है बी बिंदु पे दोनों लाइने काट रही है, तो वहां पे हमने क्या लिखा, यहाँ बिंदु उपभोक्ता और विक्रेता दोनों के लिए उत्तम होगा। यहाँ बेचने वाला विक्रेता और खरीदने वाला उपभोक्ता दोनों के लिए कीमत संतुलित होगी और यही तुम्हारा बाजार का संतुलन कहलाएगा, ठीक है। इससे अगर कीमत ज्यादा होती है तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी, लोग मांग कम करेंगे, कीमत घटेगी तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी लेकिन उससे विक्रेताओं का लाभ कम होगा, कीमत कम होने से विक्रेताओं का लाभ कम होगा। इसलिए ऐसे बिंदु पर निर्धारित होगा बाजार का संतुलन जहां वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग बराबर, ठीक है, समझ में आया। अब लिखो निम्न तालिका में राजकीय इंटर कॉलेज बेल हरिद्वार के हाई तथा इंटर स्कूल के बोर्ड परीक्षा पर को हमें रेखा चित्र से बनाना है, ठीक है, क्लियर हो गया। 2009 से लेकर 2015 तक हाई स्कूल का रिजल्ट रहा 30% रहा, 40, 60, 75, 66, 47 और 80 पिछले 2015 में अच्छा रहा, ठीक है। इंटर का पहले 20 था, 40, 35, 50, 60, 66, 85 तो लगातार बढ़ रहा है। अब हम इसको रेखा चित्र की मदद से बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम ईयर यहाँ पे लिखेंगे नीचे 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरफ हम क्या लिखेंगे, बोर्ड परीक्षाओं में अंक प्रतिशत, ठीक है, हाईएस्ट कितना है 85 और लोएस्ट 20। तो हम क्या क्लास जो हमारा इंटरवल हम ले लेंगे उसको 10 का अंतर, कितने का 10 का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 कहां तक पहुंचा 80 और 90, 90 इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले कितना है 30, सबसे पहले 30 से जो नीला कलर है ये क्या दिखा रहा है हाई स्कूल, तो पहली जो बिंदी हमारी कितना है 30 में, उसके बाद 2010 में कितना हुआ 40 हुआ, ऐसे हमारा ये फिर उसके बाद कम हो गया, फिर बड़ा 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 आगे में चले, ठीक है। नीला कलर हमारा किसका है वो, सॉरी लाल कलर किसका, पानी का 20 हुआ यहाँ शुरुआत, फिर 40 पे पहुंची, फिर कम हुआ 35 पे, फिर बढ़ा 50, इस तरह वो बढ़ता चले। तो दोनों हम एक ही नक्शे में दो विषय या दो लोगों की तुलना कर सकते, इससे हमें ज्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। उसको हम क्या कहेंगे, कालिक चित्र, कालिक चित्र, समझ में आ गया, ठीक है।